पंजाब सरकार के खेल विभाग की ओर से करवाई जा रही पंजाब राज्य खेल पुरुष आज यहां राजा भलिंद्रा सिंह खेल परिसर पोलो मैदान में धूमधाम से शुरू हो गई। इस 3 दिवसीय खेल समारोह का उद्घाटन खेल विभाग की निदेशक और मुख्यमंत्री की उप प्रमुख सचिव श्रीमती अमृत कौर गिल ने ध्वजारोहण कर किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य में खेल को प्रफुल्लित करने में विशेष रुचि दिखा रहे हैं और उन्होंने खेल विभाग को हर तरह की मदद देने का विश्वास दिलाते हुए खेल को अपनी विशेष प्राथमिकताओं में शामिल किया है। सरकार नई खेल नीति तैयार कर रही है और इसे जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा, जिससे नौजवानों को खेल प्रति उत्साहित किया जा सके और पंजाब में खेल के स्तर को और ऊंचा उठाया जा सके। श्रीमती गिल ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से खेलों के विकास के लिए बनाई गई दीर्घकालीन योजना के तहत राज्य के अधिक से अधिक बच्चों को शामिल करने का प्रयास होगा, जिससे नई पौध तैयार हो सके। पंजाब में खेल के बुनियादी ढांचे का बेहतर प्रयोग करने राज्य सरकार ने लगभग 800 वॉलंटियरों को भी विभाग से जोड़ने का फैसला किया है, जिससे खेल के क्षेत्र का दायरा और विशाल किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों DPPTE आदि के रिफ्रेशर पाठ्यक्रम करवाए जाएंगे, जिससे उनकी प्रतिभा को और अधिक निखार कर और ज्यादा लाभ लिया जा सके। वहीं पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए श्रीमती गिलल ने कहा कि राज्य में खेल यूनिवर्सिटी स्थापित करने राजा रणधीर सिंह के नेतृत्व में स्टीयरिंग समिति अपना कार्य कर रही है और सबसे पहले पाठ्यक्रम तैयार करने के साथ साथ संकाय का प्रबंध किया जा रहा है। खेल हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हुए उसे बेहतर बनाते हैं, इसलिए हर बच्चे को खेल की तरफ प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे हमारे नौजवान नशे से दूर रहें। उल्लेखनीय है कि आज शुरू हुई पंजाब राज्य खेल दौरान एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और खो खो की प्रतिस्पर्धाएं करवाई जा रही हैं, जिनमें 25 साल से कम उम्र वर्ग के करीब 2400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 800 मीटर दौड़ के पहले मुकाबले दौरान पटियाला के अर्शदीप सिंह ने पहला, संगरूर के मनप्रीत सिंह ने दूसरा और लुधियाना के गुरकोमल सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजेताओं को श्रीमती अमृत कौर गिल ने मेडल प्रदान किए। इस अवसर पर SP मंजीत सिंह बराड़, उप निदेशक खेल सुरजीत सिंह संधू, सहायक खेल निदेशक करतार सिंह, जिला खेल अधिकारी उपकार सिंह विर्क, DSO हरप्रीत सिंह सहित कई जानी मानी खेल हस्तियां उपस्थित रही। इस दौरान जवाहर नवोदया विद्यालयों की छात्राएं ने लोक नृत्य शम्मी पेश किया। जिम्नास्टिक के खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक के करतब दिखाए। खिलाड़ी अमृतप्रीत सिंह ने सभी खिलाड़ियों को खेल की भावना से हिस्सा लेने की शपथ दिलाई, जबकि प्रसिद्ध खिलाड़ियों सर्व कुमार, अमृतपीरत सिंह, लवप्रीत सिंह, मंजीत सिंह आदि ने मशाल जलाई और सभी जिलों से आए खिलाड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। इससे पहले खेल विभाग के उप निदेशक खेल सुरजीत सिंह संधू ने स्वागतम कहा और बताया कि खिलाड़ियों के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री ब्रह्म महिंद्रा समापन समारोह दौर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करेंगे। हमेशा बड़ी एक्साइटेड हुनी है जदों ऐसे इवेंट्स मैं करा सकां। डेफिनेटली CM साहब के सहयोग तो बगैर तो कदे भी नहीं सी, उन्हों का सपोर्ट सीगा ते ताई ये पॉसिबल है। तो मेरा ख्याल है भी अज की डेट च पंजाब थोड़ा जा फाइनैशियल उखियाई के थ्रू गुजर रहा है, बट अगले साल बैटर हो जूगी पोजिशन तो असं इन्हों होर भी वध कॉम्पीटिशन दे सकेंगे। मैं आप स्पोर्ट्स की है, सो मैं महसूस करती हाँ कि साढ़े जेडे इंडियन स्पोर्ट के असी हर गेम के एक्सपीरियंस जोड़ा है घट होण करके असी इंटरनेशनल लैवल पर कई बार डावाडोल हो जाने। सो कोशिश यही रहेगी कि इन्हों व् तो वह कॉम्पीटिशन ये मेनली जोड़ा सा वैसे तो 3% रिजर्वेशन हैगी है, बट वो ये भी थोड़ा बाकी का सारा कुछ पढ़ना या जो भी है वह तो थोड़ा वो प्रोसैस के थ्रू जाना पैंता है। उस तो अलावा जी है स्पोर्ट्स पुलिस डिपार्टमेंट ने काफ़ी अब्जॉर्ब किया है पंजाब के, तो उन्होंने पॉलिसी बनी हुई है, सो दे आर डूइंग दैट। तो आई थिंक उन्होंने हुण रीविजिट भी कर रहे हैं जिहड़े ACS होम है मिस्टर कलसी, सो शायद पॉलिसी दे विच कोई नवी चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर। यही उपराला हैगा जी साडा भी असी जे थोड़े जे फाइनैंस साडे अच्छे हो जाण तां असी होर कॉम्पीटिशन्स दे सकांगे। क्या मैं कल शामी भी होके गई हाँ, काफ़ी सोहनी इन्होंने तैयारी की हुई है। सर मैं श्री मुक्तसर साहिब तो आई हाँ, साढ़े बहुत सारिया टीम आ गई, जिमनास्टिक हो या फुटबॉल, हाकी, बास्केटबॉल, बहुत वधिया मैडम अमृत कौर गिल जी ने बहुत वधिया उपराला किया है, जो कि सब तो वड्डी गल है कि नशा तो दूर अज की जवानी जो कि नशा वाल जा रही है वह गेमां वाल आवे, नशा भुल के आपका वधिया शरीर कमा के गेमां विच लावे।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਬੂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਹਾਕੀ ਆ, ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੇਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਸ਼ੂ ਸੋਕਸਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਕਿੱਟਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਕਿੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ ਜੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ। ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ, OT, DMLT, ਆਪਥੈਲਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ECG, ਐਕਸ-ਰੇ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ, ਐਕਸ-ਰੇ ਲਈ ਡਾਰਕ ਰੂਮ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ECG ਮਸ਼ੀਨਸ ਅਤੇ ਆਪਥੈਲਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਈ ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ISO ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਨੀਅਰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 0175-23-51-810, ਮੋਬਾਈਲ 93-561-2507, 90-567-90-02, ਵੈਬਸਾਈਟ www.gurunanakinstitute.com।